in. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे होंगे आज मैं घर के अंदर हूँ और मेरे पीछे आप आई थिंक E63 भी देख रहे होंगे, C63 भी देख रहे होंगे, तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। सो आज का जो हमारा व्लॉग है वो बेसिकली E63 वर्सेस C63 का कंपेरिजन करना है। तो आप इस गाड़ी से तो मेरे ख्याल है फेमिलियर होंगे, ये हमारे नुमान मुन्ने की है और मैंने सोचा कि इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं, नुमान को लाते हैं और उसके बाद हम इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी, क्योंकि उसको काफ़ी आई थिंक गाड़ी लिए हुए एटलीस्ट 2 महीने हो गए हैं, तो वो मेरा ख्याल है इस गाड़ी के बारे में बहुत बेहतर बता पाएगा। सो नुमान को बुलाते हैं मेरा ख्याल है, टाइम डिले किए के बगैर चलें। अरे मैं कहाँ गया? मोहम्मद अली भाई आपका जो व्लॉग है ना वो नेक्स्ट वीक है। अच्छा? आप इतनी जल्दी क्या थी? नुमान को बुलाया मैंने। ओ फिर करें यार, चलें वापस जाएं वापस। वैसे थे कहाँ? मैं दुबई में था। अरे यार पैसे दें वापस जाने के, आपके तो फ्री में आ गए पाकिस्तानिया। ऐसे वैसे अगर होने लग जाए तो उन लोगों को यूएसए यूके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। चलें चुटकी बजाएं मुझे दुबई जाना। ओ भाई क्या हाल है यार, आपकी पुरानी आदत जाएगी नहीं? कैसे जाएगी, आपकी गाड़ी मैंने जब मंगवाई हुई थी आपको पता नहीं था आज मैं किस टाइम आपको बुलाऊंगा। ये कब आई यहाँ पे? तो भाई वो मैंने उसको बोला था ना शाम को गाड़ी दे, जो दे गया था गाड़ी, तुम्हें पता ही नहीं है यार आप। ओके गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे नुमान मुन्ना आ गया है और आज हमारे ब्लॉग का मकसद ये है कि C63 का कंपैरिजन करेंगे और E63 का, दोनों का, और ऑब्वियसली दोनों जो हैं वो अपनी लीग के हिसाब से बेस्ट कार्स हैं। नुमान को बुलाने का सिर्फ मकसद ये है कि नुमान, सिंस आई थिंक 2 महीने से नुमान तुम ये गाड़ी चला रहे हो, 3 महीने तो नुमान से अच्छा रिव्यू इस गाड़ी का कोई नहीं दे सकेगा। और E63 मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं, चलाई नहीं है मैंने, 2-3 दफ़ा चलाई है, बट एटलीस्ट हम इसको एक वो कर सकते हैं इसका एक रिव्यू टाइप के, क्या बेहतर है, क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या चीज़ें नहीं अच्छी हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो नुमान क्या ख्याल है, 3 महीने में कैसा एक्सपीरियंस है? इससे पहले तुम्हारे पास थी मुझे याद है RX 7 और एक गाड़ी थी तुम्हारे पास, कौन सी थी वो? उससे पहले स्काईलाइन RX 8 थी और RX 7, दोनों थी, दोनों एक साथ रखी। स्काईलाइन वाली तो बात ही ना बताओ लोगों को, स्काईलाइन में तुम्हें मना किया था मत बेचो, गलती हो गई मुझसे, अब खैर मैंने बेच दी उसको। लेकिन अब तुम्हें उसके तरह का अल्टरनेट मिल गया, अच्छा अल्टरनेट मिल गया, जो आप पहले कहते थे कि मैं एक हाथ में रेडबुल एक हाथ में स्टीयरिंग व्हील और आप एसी खोल के मस्त जा रहे हो, वो तो ये उसके लिए बेस्ट गाड़ी है। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा पावर स्लाइड हो रही है थोड़ा सा, बल्कि आप लोगों को नुमान का डोनट दिखाता हूँ, वो अभी हमने घर में यहाँ कोन रख के ज़रा बीच में यहाँ पे थोड़ा सा किया था, मैंने कहा चलें आपको दिखा दें, वो देखें। ओके गाइस, तो अभी हम इसका हुड खोलते हैं और देखते हैं नुमान मुन्ने की गाड़ी में क्या डिफरेंस है और हमारी गाड़ी में क्या डिफरेंस है, और नुमान से ही हम इसकी डिटेल लेंगे। तो नुमान ज़रा इसका थोड़ा सा हुड खोलेंगे, लग रहे आज खुल जाए, खुल गया यार नुमान, वेरी गुड नुमान, कभी साफ भी करा लिया करो यार, टाइम ही नहीं मिलता तुम्हें। अंदर से साफ नहीं कराई, बाकी साफ है। अच्छा यार मतलब रूम तो इसका बड़ा खूबसूरत है, इसके बारे में बताओ थोड़ा कि गाड़ी कितने हॉर्स पावर है, और दिख नहीं रहा ये इसका किसका नाम है इसमें लिखा हुआ, कितने हॉर्स पावर है ये? यार ये अराउंड 595 है। 595 ट्यून्ड है इस गाड़ी को, मैंने ट्यून किया होगा। अच्छा स्टेज 2 ट्यून होगी ये, स्टेज 2 प्लस है। अच्छा ये फ्रॉम फैक्ट्री कितनी आती है? फ्रॉम फैक्ट्री 451 आती है। 451 और आप 595, यानी आपने 150 का गेन किया हुआ है इस पे, और कुछ ऐड किया है या सिर्फ ECU फ्लैश किया? और नहीं, इसमें KNN के एयर फिल्टर्स हैं, ये वाले US से मंगवाए थे। सही है। और इसके अलावा इसके सेकेंडरी और प्राइमरी कैट जो है ये दोनों रिमूव्ड हैं। हाँ तभी ये बहुत लाउड है। हाँ, अभी हम लोगों को इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे और डिफरेंस E63 का और C का क्या, इसके एग्जॉस्ट के साउंड का डिफरेंस है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इंजन के बारे में। सो ये इंजन कितने लीटर है? ये 6.2 लीटर है। ओके 6.3 लीटर तो आपको पता है वो ट्रेडमार्क है मर्सिडीज़ जी, 6.2 है तो ये NA है।
एन ए ओके सो ये एन ए कार है तो आई थिंक इसमें ज्यादा ये गाड़ी काम नहीं निकालती होगी, जो टर्बो गाड़ियाँ होती हैं उनमें थोड़ा काम ज्यादा निकलते हैं, बाई टर्बो या टर्बो सिंगल टर्बो या ट्विन टर्बो जो भी हो, तो उसमें ज़रा गाड़ी को थोड़ा सा और ज़्यादा आपको उसमें ख्याल रखना पड़ता है चीज़ों का, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस होती है। एन ए में ये होता है कि थोड़ा 19-20 चीज़ें चल जाती हैं, एन ए इतना वो होता है कि वो बर्दाश्त कर लेता है इंजन। सो जैसे कि मैं अभी जी चला रहा था वो एन ए थी, अब मैं एल एस करने जा रहा हूँ, बट एल एस को भी मैं वीएट को एन ए करने जा रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़े उसके लिए। खैर एनीवेज, तो आपने बताया कि ये 595 हॉर्स पावर है, तो ये इसमें ये एलएसडी है, नॉन एलएसडी है? ये एलएसडी है, इसमें मैंने वेव ट्रैक की एलएसडी डाली हुई है। अच्छा, वो आपने खुद चेंज किया? नहीं, जब ये गाड़ी वहाँ इस्लामाबाद में तैयार हो रही थी, हाँ, ताह अंसारी को आप जानते होंगे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उनसे मैंने जो है वहीं पर एलएसडी भी इसकी इंस्टॉल करवा ली थी। अच्छा ओके, सो ये कोई वो है, इसमें एक एडिशन आता है 507, वो पैकेज आता है, कौन सा होता है? P30 आता है एडिशन, वो तो नहीं है ना ये? नहीं, ये सिंपल है, ये बेस वेरिएंट है, ये वो आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी मिल जाती है? अगर आप रेडी गाड़ी देने जाएंगे, हाँ, तो ये आपको अराउंड 110-115 मिलेगी। अच्छा, अभी महंगी हो गई है, डॉलर महंगा हो गया ऑब्वियसली, तो ये बेसिकली कन्वर्टेड कार है, और ये अदरवाइज ओरिजिनल लेने जाएं तो ये AMG शायद 20 मिलियन के करीब हो, बट ये कन्वर्टेड है तो ये 10-11 मिलियन के करीब आपको गाड़ी मिल जाती है, और एटलीस्ट ये बेहतर है पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो 6.5 मिलियन के ब्रैकेट में चली गई हैं उससे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम ये गाड़ी अवेल करें, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ जर्मन कार AMG, और पावर प्लेजर हर चीज़ के हिसाब से देर इज़ नो कंपेरिजन। तो ये गाड़ी का थोड़ा सा इंटीरियर रूम देखते हैं, और इंटीरियर रूम के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड आपको सुनाते हैं, फिर हम E63 की तरफ चलते हैं, और उसके बाद हम व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, तो अभी जो है वो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको साउंड सुनाता हूँ, तो ज़रा चाबी दी जाए मुझे, ज़रा चाबी आ गई, चाबी भी मैचिंग है भाई भाई। चलो जी, स्टार्ट फॉर सम फन। इससे पहले कि लोग आ जाएं सारे मेरे पास और मुझे मारने लग जाएं, बेहतर है हम आपको साउंड आइडिया हो गया होगा। इट्स अ वेरी लाउड कार, नोमान ने इस पर जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कैट डिलीट किया हुआ है, अगर आप नहीं भी करें तो इसका एक अच्छा साउंड है, और लेकिन हमारी जितने हमारे ग्रुप वाले हैं उनको शौक है इस तरह से लाउड गाड़ी हो, और लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको क्रूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती है, और ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये गाड़ी में इतना पोटेंशियल है, इतनी लाउड हो सकती है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से चलाते हैं। अब चलते हैं E63 की तरफ और थोड़ा सा इसको रिव्यू करते हैं। ओके, सो ये जैसे कि ये गाड़ी 5.5 लीटर है, और ये E63 बाई टर्बो है, अगर आप देखोगे ये V8 बाई टर्बो है, ऐसा V8 इंजन, और ये फ्रॉम द फैक्ट्री इट वुड बी लाइक 550, लेकिन ये गाड़ी जो है 695-700 है, और 700 इसलिए है क्योंकि मैंने स्टेज टू ट्यून कराई थी MSL लंदन से, और MSL लंदन ने इसको डायनो भी किया, और इसकी डायनो शीट भी मेरे पास है, और ये गाड़ी अगर आपने सी देखा, सी मोर लेस बहुत यू नो, सी अगर बॉडी की बात करूँ, सी इज़ अ वेरी स्मार्ट कार, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एज अ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, यंग टीनेजर, उसके लिए ये गाड़ी बहुत परफेक्ट है, बट अगर E63 की तरफ जाएँ तो ये एक कम्प्लीट फैमिली कार नज़र आती है, एग्जेक्टिव क्लास है, तो आप इसको इसकी बॉडी उससे बड़ी है, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा मिडिल एज लाइक लोगों को सूट करती है ये गाड़ी, और जिनको ऑब्वियसली कार रेसिंग या अच्छी पावरफुल गाड़ियाँ चलाने का शौक हो तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और ये ऑप्शन जैसे कंपेयर करें वो 10-11 मिलियन है, दिस वुड बी लाइक 15-17 मिलियन के करीब ये आपको कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कन्वर्जन हुई हुई गाड़ी है, बट बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं आपको इसका इंजन रूम दिखाता हूँ, तो इसका इंजन रूम अगर आप देखोगे तो ये बड़ा नीट एंड क्लीन इंजन रूम है इसका, और ये अगर आप देखेंगे बाई टर्बो गाड़ी है, और जैसे मैंने बताया 5.5 लीटर बाई टर्बो, और ये 700 ऑलमोस्ट हॉर्स पावर है, तो इसका रूम अच्छा खूबसूरत है, अगर आप उसका
फ्रंट एंड देखें बहुत खूबसूरत है, और थोड़ा सा मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर अगर आप देखें, और इसका साउंड भी सुनाता हूँ। सो आपने देखा ये गाड़ी इस पॉप्स एंड बैंग्स इसमें ऑन है। सो बेसिकली इसमें मैंने पॉप्स एंड बैंग्स ऑन कराए थे। ये भी अगेन मैं बोलूँगा, ये आपके ड्राइविंग उस पर स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आइडल पोजीशन में देखोगे तो ये बहुत क्वाइट है, बहुत मतलब पता ही नहीं चलता कि इतनी लाउड हो सकती है। और इसके इसमें जो मैंने बेसिकली मैप डाला, 4000 RPM के बाद वो पॉप्स एंड बैंग्स ऑन हो जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन, अगर आप कोई गियर को बहुत खींचते हैं और आप अपशिफ्ट नहीं करते तो फिर ये पॉप्स एंड बैंग्स ऑन हो जाते हैं। और इसमें एक अच्छा, एक बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। अगर आप अंदर से देखें तो ये सी से बड़ी है, और इसकी पूरी रूफ पैनोरामिक है। और अगर अंदर से भी देखेंगे तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी और बहुत लग्जरी है। पीछे भी इसमें एसी कंट्रोल का जो है वो पैनल लगा हुआ है। और इट्स अ कंप्लीट कार। दोनों गाड़ियाँ ही बहुत क्लास की गाड़ियाँ हैं। अब इस पर सिर्फ डिपेंड करते हैं कि किसका मिलियन 10 मिलियन, किसका 10 मिलियन बजट है, किसका 15 मिलियन बजट है, तो वो ये गाड़ी को अवेल कर सकते हैं। अभी मैं नुमान को बुलाता हूँ और नुमान से पूछता हूँ कि नुमान, क्या हम इसको क्या ऐसा हो सकता है कि वो ही एक वीक यूज़ करें और मैं सी, और हम उसका रिव्यू दें आप लोगों को। अगर आपको लगता है ऐसा करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, और फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नुमान को ई दे देंगे। हम बेसिकली स्वैप कर लेंगे, ई उसके पास चलेगी, इसी मेरे पास। हम उसको एक वीक 10 दिन यूज़ करेंगे और हम अपना अपना रिव्यू देंगे कि क्या डिफरेंस है, बिकॉज उसने सी चलाई है, उन्हें ई चलाई है। तो अभी मैं नुमान को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या हम ये गाड़ियाँ स्वैप कर सकते हैं या नहीं। नुमान क्या ख्याल है, अगर हम एक और व्लॉग बनाएं नेक्स्ट टाइम, अपनी ऑडियंस को बोलें, अगर उनको लगता है कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर वीडियो अगर हमारी देखना चाहते हैं, अगर हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएं उसमें ये हो कि मैं एक वीक के लिए जो है सी रख लूं और एक वीक के लिए रोमान ई रख ले, तो हम दोनों एक रिव्यू दे सकते हैं। बिकॉज सी 3 महीने से चला रहे हैं, मैं 1 महीने से ई चला रहा हूँ, तो ये एक वीक ज़रा ई को चला के देखिए और मैं सी को, फिर हम कंपेरिजन करेंगे कि आया ये ई स्विच करना चाहेगा सी से या नहीं, और मैं ई से सी लेना चाहूँगा या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हमें ये व्लॉग भी बनाना चाहिए तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।